ललन बाबू कितने संवेदन सुन्य हैं। कल बिहार जल रहा था, वो मीट भात 35 क्विंटल लोगों को खिला रहे थे, उनको शर्म करनी चाहिए। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, एक जिला और राज्य के अध्यक्ष बन गए हैं। ललन बाबू क्या बोलते हैं वो तो समय बताएगा। मैं इतना जरूर कहूंगा कि मुंगेर से पूरी तरह ललन बाबू हारेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, इस दौरान आपको बता दें कि विधानसभा पॉर्टिको में विपक्ष के द्वारा लगातार हंगामा किया जा रहा है। सासाराम हिंसे पर पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ आपको बताते चले कि आज सुबह ही ललन सिंह का एक ट्वीट आता है और बीजेपी पर जोरदार हमला करते उन्होंने बोला है कि बीजेपी एरी चोटी का जोर लगा दे लेकिन परिणाम वही होगा जो 2015 में हुआ था, बीजेपी शून्य पर आउट होगी। इसी के साथ इसका पलटवार करते हुए बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल की प्रतिक्रिया सामने आई है और ललन सिंह पर निशाना साधते हुए साफ तौर पर बीजेपी के विधायक कहते हुए दिख रहे हैं कि बिहार जल रहा था और वो मीट भात का भोज कर रहे थे। आगे और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, पहले आपको वो सुने। ललन बाबू कितने संवेदन सुन्य हैं। कल बिहार जल रहा था, वो मीट भात 35 क्विंटल लोगों को खिला रहे थे, उनको शर्म करनी चाहिए। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, एक जिला और राज्य के अध्यक्ष बन गए हैं। ललन बाबू क्या बोलते हैं वो तो समय बताएगा। मैं इतना जरूर कहूंगा कि मुंगेर से बुरी तरह ललन बाबू हारेंगे। बिहार शरीफ, सासाराम, मुजफ्फरपुर और भागलपुर, चार जगहों पर कुकृत किया गया है, नंगा नाच किया गया है एक समाज के द्वारा, और उसको सरकार का सह प्राप्त है। मैं आप लोगों से माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि रामनवमी जुलूस से पहले जो शांति समिति की बैठक हुई थी थानों पर, उसका वीडियो जारी किया जाए। किस तरह रामनवमी के शोभा यात्रा निकालने वाले कमेटियों पर प्रशासन ने दबाव दिया है और उसी दबाव का नतीजा हुआ कि एक समाज के लोगों को बल मिला कि सरकार हमारे साथ है, इसलिए ऐसी घटना की गई है। इस घटना की जांच NI से कराई जाए, नहीं तो एक समय आएगा कि अमित शाह जी ने कहा है कि दंगाइयों को उल्टा लटका करके सीधा कर देंगे, निश्चित रूप से ऐसा किया जाएगा बिहार में। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि साजिश है, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, क्या कुछ कहेंगे? निश्चित रूप से प्रशासन के द्वारा यह साजिश किया गया है और मुख्यमंत्री का इशारा दूसरे तरफ है, लेकिन मैं कहता हूं कि इसका NI से जांच करा लिया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये सरकार प्रायोजित दंगा था और दंगा जानबूझ के कराया गया है, क्योंकि आज़ादी के बाद रामनवमी के जुलूस में इस बार बिहार में जितने लोग सड़क पर आए हैं उस जनता को देख करके सरकार बौखला गई, सरकार के जमीन नीचे से खिसक गई, इसलिए जानबूझ करके सरकार ने दंगा। जो आरोप आप लगा रहे हैं वही आरोप सत्ता पक्ष के लोग लगा रहे हैं कि बीजेपी के विधायकों की भूमिका की जांच होनी चाहिए और बीजेपी के लोगों ने दंगा कराया है, वो आरोप सरकार की, तो आपने देखा होगा कि सरकार बोल रही थी, सरकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे थे कि 144 नहीं है, और माइक से घूम घूम करके आप ही के मीडिया से हम लोगों ने देखे, तो सरकार तो पलटी मार है, करती तो कुछ है और प्रशासन को भी पलटी मार बना दिया है। इसलिए दूध का दूध पानी का पानी तभी होगा जब तक इसकी जाँच NIA नहीं करेगी। और मैं पहले से हम लोग कहते थे कि PFI का अड्डा बन चुका है बिहार, इस दंगा ने साबित कर दिया कि PFI का अड्डा है बिहार। ललन सिंह ने कहा है, तो देखा किस तरह से ललन सिंह पर निशाना साधते हुए बीजेपी विधायक क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि जो हिंसा हो रही है वो सिर्फ प्रशासन की मिलीभगत से हो रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसमें शामिल है। हम चाहते हैं कि जो वीडियो रामनवमी से पहले बैठक की गई थी उस वीडियो को सार्वजनिक कर दिया जाए, हम देखना चाहते हैं, और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही साजिश है। आगे और किस तरह से ललन सिंह को घेर रहे थे बीजेपी विधायक वो भी आपने देखा, तो अब देखना होगा कि क्या जो बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने जो कहा है कि जो मुंगेर का सीट है ललन सिंह का, वो सीट भी अब बीजेपी के हत्थे जाने वाला है, तो क्या यह होता है या नहीं, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। फिलहाल के इस अपडेट में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।
है।